जी आइए गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम गुड सर गुड आफ्टरनून शाहिद इकबाल प्लीज टेक यू सीट थैंक यू सर आप शाहिद इकबाल हैं शाहिद आप ये इंट्रोडक्शन हिंदी में चाहते हैं कि अंग्रेजी में हिंदी में हिंदी में पसंद करेंगे ठीक है शायद यात्रा करना पसंद है आपको यस yes, सर किन किन देशों की यात्रा कर चुके हैं आप सर अभी तक मुझे फॉरेन विजिट का तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बट भारत की मैंने काफ़ी सारे जगहों पर यात्रा की है सर मैंने ये यात्राएं आपकी किसी विशिष्ट उद्देश्य से रहती हैं या ये अकारण यात्राएं हैं नहीं सर मुझे नई जगह पे जाके वहाँ के भूगोल को और जो वहाँ का स्पेशली कल्चर है सर या फूड हैबिट है वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं हमसे कैसा डिफरेंट है वो मुझे जानना अच्छा लगता है सर या फिर वहाँ अमेरिका के एक यात्री भारत में आए और आप ही की तरह जिज्ञासु बालक थे वो और वे अंडमान में एक आयलैंड में बावजूद इसके विपरीत सलाहें होने के अपनी इस जिज्ञासा को कंट्रोल नहीं कर सके और वहाँ गए और वहाँ के आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी इस प्रकरण पर आपकी क्या राय है और आप क्या आपको लगता है कि यात्राओं में ये एक स्वाभाविक आशंका है कि आपकी जान जा सके सर uh, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं सर तो सबसे पहले वहाँ पे सर जो uh, हम जहाँ पे भी यात्रा करते हैं सर एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर हम फॉरेन की भी जर्नी करते हैं वहाँ के जो लोकल रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जैसा कि सर uh, उनकी हत्या की कर दी गई uh, जो एबोरेजेंस थे उनके द्वारा और वो जगह सर जाने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके हिसाब से वहाँ पे किसी को भी जाना उन वे मोर रीजन टू गो एक यात्री की तरह सोच के कि कि ये कोई जगह जो कि कहा गया है जीवन में अगर आप उन्हें आज देख पाएंगे तो आप शायद उस एक ऐसी पीढ़ी के व्यक्ति होंगे जिन्हें आखिरी बार देख रहे होंगे ये तो पर्याप्त आकर्षण है उन्हें देखने जाने का सर आकर्षण तो जरूर है लेकिन हमें उनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेवारी है सर क्योंकि वो जिस हिसाब से बाहर की दुनिया से अपने आप को उन्होंने कटा हुआ रखा हुआ है सर और हमें लगता है वैसे जगह पे जाने से सर ये ऐसा भी हो हुआ प्रशासन तो टाइप भाषा बोल रहे हैं यात्री वाली नहीं बोल रहे हैं अगर मान लीजिए आप उस जगह पर होते और आपके पास ये अवसर होता कि अगर आप उस तट पर जाएंगे तो एक झलक आप उन आदिवासियों की जो कि पूरी दुनिया में केवल चालीस पचास बचे हैं देखने का मौका पा सकते हैं आपका यात्री क्या कहता है आप इस इस लोभ का संवरण करते या आप ऐसा थोड़ा रिस्क तो है हर जगह होता है तो आप इस लोभ का संवरण करते हैं या आप इस मौके का लाभ उठाते हैं सर रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में हम रिस्क तो हर जगह ले सकते हैं बट वैसे जगह पर रिस्क लेना मुफीद नहीं है सर जहाँ पे कोई लॉ का वायलेशन होता है इस केस में सर क्लियरली जो वो ट्रैवलर थे उन्होंने जो रूल्स सर इनर लाइन परमिट 2015 से बंद है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं बची है राइट सर इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं थी सर वहाँ पे लेकिन उन एबोरेजिन से कांटेक्ट करना वो अभी भी कानून के हिसाब से मना है सर तो उन्होंने कानून का वायलेशन किया और ऐसे में रिस्क लेना वो वो क्योंकि कानून का उल्लंघन करके रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है सर हम रिक्स वहाँ पर ले सकते हैं अगर यात्री फायान से लेकर आज तक के यात्री आप ही के दर्शन पर चलते तो वो अपने घर से कभी ना निकल पाते नहीं सर उस टाइम में ऐसे ट्रैवल करना कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर फायान ने इंडिया की या जर्नी की या यात्रा किया उन्होंने तो उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन किया तब तो लिखित कानून नहीं थे हर व्यक्ति का कहा हुआ कानून तो ही उतना ही खतरनाक था बिल्कुल सर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ लेकिन <laughs> शाहिद भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है कैसे कम किया जाए जनसंख्या को सर सबसे पहला इसमें हमें शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा सर और शिक्षा में भी जो महिला शिक्षा है सर क्योंकि जब तक हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक जो परिवार का जो मुख्य आधार है सर जो महिलाएं हैं जो माँ हैं तो वो जब तक शाहरुख खान तो बड़े शिक्षित आदमी हैं पत्नी भी शिक्षित हैं टू चाइल्ड नॉर्म भारत सरकार का है तीन बच्चे हैं उनके शाहिद इकबाल आपके नाम पे दो मूवीज बनी हैं आपने देखी हैं वो तो मैंने शाहिद मूवी देखी है मैम बट जो दूसरी मूवी है इकबाल वो मैंने नहीं देखा वो नहीं देख आप नहीं मैम अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि बिहार का एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जाए तो आप क्या बनाएंगे क्या क्या दिखाएंगे उसमें सबसे पहले मैम जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म को लेके बिहार में काफ़ी सारे सेंटर्स से, हैं बौद्ध धर्म के अट्रैक्शन से लेके और बौद्ध यात्री अभी भी बिहार की जर्नी भी करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से और जापान चाइना से तो उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में करके हमें करना चाहिए मैम जिसमें पावा पूरी पावापुरी सिर्फ एक बिहार सर्किट में आप मुझे जगहों के नाम बताएं पाँच से सात जगहों के नाम कि क्या क्या दिखाएंगे आप बिहार सर्किट में सबसे प्रायोरिटी होगा मैम बौद्ध गया का उसके बाद हम राजगीर पावापुरी नालंदा इन जगहों को फोकस कर सकते हैं वहां पे ठीक ठीक है शायद आपसे बात करके अच्छा लगा आप जा सकते हैं थैंक यू सर कैसा लगा आपको इंटरव्यू सर ठीक लगा मुझे कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है थोड़ी घबराहट गब थी सर नहीं घबराहट तो नहीं थी आई एंड लार्ज आपका कंपोजर अच्छा है आप ठीक से बैठ ते हैं आप ठीक से बात करते हैं आप आर्म फोर्सिस में हैं जिस बात का लाभ आपको मिलेगा ठीक है ना हम लोगों ने नहीं पूछा लेकिन आप उसके अपने वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड जो हिस्सा होगा उसको और थोड़ा सा गंभीरता से देख लीजिएगा डेट्स ज़्यादा संभावना है कि उस तरफ बात रहेगी अगर तो मान लीजिए फिलहाल आप अकाउंट्स को डील कर रहे हैं तो फिर कैसे डिफेंस अकाउंट्स कैसे होते हैं ऑडिटिंग कैसे होती है उन सारे इलाकों को बजटिंग से ऑडिटिंग तक पूरा वो देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से कुछ बदलाव मत कीजिए जैसे हैं वैसे रहिए है। थोड़ा बहुत अपना वर्क प्रोफाइल वाला हिस्से को और देख लीजिए इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं ठीक है ना चलिए थैंक यू कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं अब तो बस चारों